hello everyone today we are going to do the revision of the topic numericals of chapter motion and the numerical is based on equation of motion that is three equations of motion v is equals to u plus 80 s is equals to ut plus half at square v square minus u square is equals to 2as now go with the numerical one so in numerical 1 question is a bus accelerate uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 10 second calculate the acceleration in each and every question you have to write first the given values what is given in the question you have to think which उट ऑफ दी यूनिट टू यूज ये आपको खुद चॉइस करना पड़ेगा की इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन इस क्वेश्चन में यूज करेंगे तो एटीन किलोमीटर पर आवर से उसने स्टार्ट किया थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर तक उसकी स्पीड बढ़ी टाइम लगा टेन सेकेंड

इसमें कहीं एस नहीं है तो लास्ट की दो इक्वेश में एस आता है तो वी विल नॉट यूज दैट एस वाली इक्वेशन हम यूज नहीं करेंगे जिसमें डिस्टेंस होता है नाउ वी विल यूज द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ वी दैट इज टेन यू दैट इज फाइव प्लस ए क्रॉस टाइम इज टेन सब्सिट्यूट ऑल द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए

assuming it to be uniform so u is 18 rest means v is 0 time is 3 second then v is equals to u plus 80 again substitute all the value v u that is 3 into t here it is a is written that is wrong 3 into t time is 3 3 is a time, it's correct and a is acceleration. Now you will get the acceleration that is minus 5 by 3 meter per second square. और इसी को अगर retardation लिखेंगे, तो that is 5 by 3 meter per second square. That is the difference between retardation and acceleration. Acceleration mein negative aata hai और अगर इसी को दूसरी तरीके से लिखना है, तो you will write retardation is five by three meter per second. इसको ऐसा माइनस नहीं यूज़ करेंगे।

और उसने वेलोसिटी कहां तक एक्वायर कर ली 36 तो v इज 36 u इज 0 टाइम इज 5 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल अब इसमें s कैलकुलेट करना है v की वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर 36 क्रॉस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई 36 विद 5 बाय 18 द आंसर इज 10 मीटर पर सेकंड u इज 0 बिकॉज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम यू जीरो स्क्वायर एक इक्वेशन होती है दोनों में ए आता है अगर हमें एस निकालना है तो वी नीड टू फाइंड आउट एसन तो पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन से v इज इक्वल टू यू प्लस ए से a कैलकुलेट किया सब वैल्यूज रखी v की वैल्यू रखी u जीरो तो so हमारा आ गया टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन ऑलवेज स्क्वायर अगेन यूनिट फिर फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से वी नीड टू द वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर ओनली टी का स्क्वायर है इसलिए ओनली टाइम को स्क्वायर करेंगे पूरे को स्क्वायर नहीं कर देंगे हाफ क्रॉस एक्सीलरेशन इज टू क्रॉस टाइम का स्क्वायर दैट इज ओनली फाइव का स्क्वायर पहले जीरो को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन अगेन द रूल इज बॉड वाला डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन द सेम फर्स्ट वी डू द मल्टीप्लीकेशन देन वी डू द एड फाइव को हाफ से ऐड नहीं कर देंगे दैट इज द कैलकुलेशन मिस्टेक मोस्ट ऑफ यू डू लाइक दिस कि फाइव प्लस हाफ कर दिया यू हैव टू फर्स्ट मल्टीप्लाई जीरो इंटू फाइव इज जीरो देन अगेन एडिशन साइन देन हाफ टू एंड टू कैंसल फाइव का स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव देन ऐड जीरो प्लस ट्वेंटी इज ट्वेंटी मीटर एस इज डिस्टेंस तो ओनली यूनिट इज मीटर

का वर्ड yeah, आया है तो ए इज मीटर पर सेकेंड यूनिट ऑफ एसिलेशन और फॉर्म में लिखते हैं तो माइनस वन माइनस लगा देते हैं वैल्यू वी विल गेट एस इज इक्वल्स टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव मीटर नाउ द फिफ्थ जस्ट लुक दिस क्वेश्चन मोर प्रोपरली ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट

पहले दो सेकंड में वो कितना चला क्योंकि हमें सिर्फ एक सेकंड का निकालना है वो भी लास्ट वाला एक सेकंड टू सेकंड में उसकी डिस्टेंस उसने कितना चला स्टार्टिंग u जीरो एसेलरेशन इज वन टाइम इज स्टार्टिंग में हमने लिया टू सेकेंड इसलिए हमने s के नीचे टू लिख दिया है मतलब ये वाल s इज द सिंबल ऑफ डिस्टेंस ये कौन सा डिस्टेंस है टू सेकेंड के लिए इसलिए हमने एस तू. इज हमारा लिखने का तरीका है नो no इसको डिस्टेंस ही बोलेंगे नीचे टू लगा दिया ऊपर लगाएंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा इसलिए इन तीन सेकेंड दो सेकेंड में वो इतना चलता है अगर वो पूरे तीन सेकेंड चलेगा देन अगेन यू जीरो फ्रॉम रेस्ट एक्लेशन अगेन वन मीटर पर सेकेंड टाइम इज थ्री सेकेंड एस थ्री मतलब ये डिस्टेंस तीन सेकेंड के लिए चलता है। तो second, मतलब एक second, का जो उसको तीन, एक सेकेंड चाहिए वो उसने उत एक में कितना ट्रेवल किया दैट इज एस थ्री को एस टू में से माइनस कर दो पूरा निकाला तीन सेकेंड तक के लिए शुरू के दो सेकंड में माइनस कर दो दैट इज टू पॉइंट फाइव मीटर तो इन थर्ड सेकेंड मतलब लास्ट का जो एक सेकेंड था उसने उसमें कितना चला टू पॉइंट फाइव मीटर नेक्स्ट इज ग्राफिकल टाइप क्वेश्चन स्टडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड कैलकुलेट दिस द रेड लाइन विच यू आर एबल टू सी ऑन द ग्राफ दिस इज ड्रॉन बाय मी मतलब क्वेश्चन में सिर्फ ये ब्लैक ग्राफ था दिस आई ड्रॉ टू मेक यू मोर एबल टू अंडरस्टैंड मच फर्स्ट है एक तरीका यह है एसे हमेशा हम स्लोप का निकालते थे पर पेंडिकुलर अपॉन बेस हमने लास्ट ग्राफ में पढ़ा था एसेलरेशन हमेशा स्लोप होता है ए बी तो ए बी क्या होता है बीई अपॉन ए नाउ और एक ये भी होता है v- माइनस यू बाई टी सेम आएगा दोनों से v लुक एट द ग्राफ हमारे पास ए बी में ए जीरो से स्टार्ट किया और इसकी वेलोसिटी कहां तक पहुंच गई वी क्या था ट्वेंटी फाइव यू है जीरो वी है ट्वेंटी फाइव और टाइम कितना ले रहा है ए बी चलने में जीरो से देखो थ्री सेकेंड सो एज ट्वेंटी फाइव यू इज जीरो टाइम इज थ्री सेकेंड अब ये सी के लिए मैंने ये ज्वाइन किया अप्रोक्स ले लिया की सी यहाँ पे एटीन पे है यहाँ कोई आपका दिया नहीं था क्वेश्चन में तो आई फाइंड आउट दिस इज एटीन फिफ्टीन और ट्वेंटी के लिटिल बिट मिडिल से थोड़ा ऊपर है तो bc को निकालने के लिए अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी कर सकते हैं या अगेन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम अब नाउ चेक द ग्राफ bc ये हमारा रिटार्डेशन है नीचे की तरफ आ रहा है तो रिटार्डेशन है मतलब एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा इस समय नेगेटिव तो इसमें u है 25 स्टार्ट किया उसने b से तो u is 25 V is final, यहां आया तो हमारा ये कहा कितना लगा इसको बी से सी तक चलने में एक सेकेंड तो दिस इज द क्वेश्चन नंबरिंग आपके ऊपर नीचे हो गई है यू इज ट्वेंटी फाइव वी इज एटीन टाइम इज वन सेकेंड तो एसेलरेशन हमारा हो गया एटीन माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन वन दैट इज माइनस सेवन इसका मतलब माइनस साइन शोज दैट अ बॉडी इज रिटार्डिंग

प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है 18 यहाँ पहुंचा डी तक पहुंचा डी इज दिस पॉइंट वेलोसिटी हो गई जीरो 18 प्लस जीरो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम सी से डी तक आने में टाइम कितना लग रहा है दो सेकेंड देखो फोर से फाइव फाइव से सिक्स दो सेकेंड That is 18 प्लस zero divided by two is nine meter per second. Velocity is meter per second. सिमिलरली डिस्टेंस इन बी सी एफ ई बी सी एफ ई बी सी एफ का डिस्टेंस अगेन डिस्टेंस निकालने के लिए विच एरिया दिस इज द एरिया ऑफ ट्रपीजियम अगेन एरिया ऑफ ट्रपीजियम का फॉर्मूला लास्ट स्लाइड में मैंने आपको डेरिवेशन में बताया था एरिया क्या होता है ट्रपीजियम का हाफ सम ऑफ पैरल साइड इन टू नॉन पैरल साइड So, this half sum of parallel side into non parallel side, parallel side have be plus cf, non parallel side ef. Substitute the value, answer will be 14.5 meter. This everything is attached in the PDF that you will get along with this video. Do this all question again by yourself, only see the question and solve it properly. Then we will do revision again in the next video. Thank you and have a nice day.